नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। कर्तव्य पथ पर आपका स्वागत है। एक कविता हम सब ने सुनी है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यानी वो हृदय नहीं है बल्कि पत्थर है जिसे अपने देश से प्यार नहीं होता। वाकई ऐसा कौन होगा भला जिसे अपने देश से ही प्यार ना हो। आज कर्तव्य पथ में बात ऐसे हृदय की भी और पत्थर की भी। ये तस्वीर देखिए, ये अंगूठी पर या शीशे पर कोई डिजाइन नहीं है, आपके लिए भारत के इंजीनियरों की मेहनत से एक आधुनिक चमचमाती मेड इन इंडिया ट्रेन डिजाइन हुई और उस पर पत्थर से ये डिजाइन खुद देश के ही कुछ लोगों ने बना दिया। नाना पाटेकर की एक फिल्म का डायलॉग है, देश इमारतों से नहीं बनता, बिल्डिंगों से नहीं बनता, देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से। एक और फिल्म का डायलॉग है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, जो अपने ही देश की संपत्ति को बर्बाद करने में सुख पाते हैं, खुशी पाते हैं। पहले जब आप बेहतर रेल यातायात के बारे में सोचते थे तो शताब्दी या फिर राजधानी ट्रेन का नाम ही जहन में आता था। लंबे वक्त के बाद भारत को एक ऐसी ट्रेन मिली जिसने रेल सफर की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया, अनुभव बदल दिया, तजुर्बे बदल दिए। वंदे भारत एक ट्रेन ही नहीं है, ये आधुनिक होते हमारे देश में रेलवे के कायाकल्प की तस्वीर है। वंदे भारत भारत में सुविधाजनक रेल जर्नी का भविष्य है। लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं कि कुछ लोग भारत की गति और प्रगति से जल रहे हैं। वो अपना गुस्सा वंदे भारत की ट्रेनों पर उतार रहे हैं। जहां भी इस ट्रेन की शुरुआत हुई, ट्रेन पर पत्थर जरूर चले। ये कैसी मानसिकता है? किसी भी व्यवस्था को बस फेल साबित करने के लिए क्या हम अपने ही देश के संसाधनों का नुकसान तक कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं, मार्च में फिलीपींस के ओरिएंटल मिंडेरो में तेल से लदा जहाज समुद्र में डूब गया। इसी मार्च की बात कर रही हूँ। दुनिया भर से वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। वहाँ का समुद्र तट जब तेल से काला होने लगा तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने समुद्र की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है ताकि उनका देश सुंदर दिख सके, गंदगी ना हो, वहाँ टूरिस्ट आते रहें। ये फिलीपींस के लोगों का कर्तव्य पथ था। फिलीपींस की आबादी जानते हैं कितनी है? 11.5 करोड़ लोगों की। अब सोचिए, 140 करोड़ का देश भारत जनवरी 2023 में दार्जिलिंग में वंदे भारत के दो डब्बों में पथराव हुआ। दिसंबर में चलाई गई न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत पर जनवरी के ही 22 दिन के अंदर पत्थरबाजी की 4 घटनाएं हुई हैं। 1 जनवरी को मालदा में पथराव हुआ, 2 जनवरी को बिहार के किशनगंज में पथराव हुआ, 9 जनवरी को बिहार के बारसोई रेलवे स्टेशन के पास पत्थर फेंके गए और 21 जनवरी बिहार के कटिहार में फिर इस ट्रेन पर पथराव हुआ। फरवरी का रिकॉर्ड भी सुन लीजिए। फरवरी में तेलंगाना के महबूबाबाद में पथराव हुआ। दिसंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में वंदे भारत पर पथराव हुआ। इससे पहले आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी वंदे भारत पर पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। आखिर वंदे भारत पर पत्थर फेंकने वालों को क्यों नहीं दिखता अपना कर्तव्य पथ? आखिर ऐसे लोग अपने ही देश को नुकसान पहुंचाकर क्या सुख पाते हैं? साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन की परिकल्पना की थी। इसके बाद पहली वंदे भारत साल 2019 में दिल्ली से बनारस तक चली और फिर दूसरी वंदे भारत दिल्ली से कटरा। अब वंदे भारत देश के कई रूट्स पर चल रही है, 100 से ज्यादा जिलों से होकर गुजर रही है। भारतीय रेल के लिए विशेष रूप से मुंबई और महाराष्ट्र की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा है। आज पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है। ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे देश के आर्थिक सेंटर्स को हमारे आस्था के बड़े केंद्रों से जोड़ेंगे। एक तरफ वंदे भारत की डिमांड है और दूसरी तरफ पत्थर भी है। एक तरफ वंदे भारत पर गर्व है तो दूसरी तरफ इसी गर्व को चकनाचूर करने वाले कुछ लोग भी हैं। आखिर सुविधा के साथ साथ चल रही इस पथरीली सोच का क्या किया जाए? वंदे भारत पर हुए पथराव की खबरें दिल तोड़ती हैं, क्योंकि वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब बात आती है कर्तव्य की। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, आपको गर्व होता होगा।
इसीलिए G20 के लिए सजे गुड़गांव से जब कोई अपनी गाड़ी में गमला चुराता हुआ दिखता है आपको बुरा लगता है, आप धिक्कारते हैं और उसके इस वीडियो को वायरल कर देते हैं जब तक वो माफी ना मांगे और गिरफ्त में ना आ जाए। पत्थरबाजी नेक्स्ट लेवल का केस है। मामला कानून से ज्यादा कर्तव्य का है, इसीलिए आपका कर्तव्य ये कि इस पथरीली सोच का बहिष्कार करें। विदेशी फिल्मों में ऐसी चमचमाती ट्रेन को देखकर हम हाय करते हैं, लेकिन अपने ही देश में आ जाए तो राजनीतिक हाय हाय के नाम पर पत्थर मारते हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम का मसला नहीं है, आपका ही देश है, आपकी ही संपत्ति है। कोई और नहीं आएगा मरहम को, कोई और नहीं आएगा मरहम को, इस सोच का स्वयं इलाज करो। ठीक है, माँ मत मानो इस मिट्टी को, माँ मत मानो इस मिट्टी को, लेकिन इसी देश में रहते हो, इस बात का तो लिहाज करो, इस बात का तो लिहाज करो। धन्यवाद।